नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। खेरसोन हार चुके पुतिन का गुस्सा अब यूक्रेन के बाकी शहरों पर निकल रहा है और इसका नया नया शिकार बना है ज़ेलेंस्की का शहर बखमूत। जी हां, इस शहर से तबाही की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि खुद ज़ेलेंस्की भी यकीन नहीं कर पा रहे। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुतिन के अंगारे कितने खतरनाक है और अगर ये राजधानी कीव तक पहुंचे तो ज़ेलेंस्की को शहर छोड़ना पड़ सकता है। राग हो गया शेर, युद्ध की जिद ने शहर को ली लिया। तबाही के हथियारों ने शहर का ऑक्सीजन छीन लिया। निराश है लोग, हताश है लोग। बखमूत अपने भाग्य पर आंसू बहाने के लिए मजबूर है। युद्ध की आग में शहर के बाशिंदों का सब कुछ भस्म हो गया। वीरानगी छा गई है इस शहर में, जैसे अभी अभी किसी ने शहर को तोड़ा हो। इंच इंच, ईंट दर ईंट, дівар тертівар. Будеться наступного тижня. Фактично це буде підсумковий саміт групи семи за цей рік. І на ньому ж визначатимуться пріоритети на наступний рік. Кесі лут гая є шехер? Кесі барбад ху гай? Іскі етіхасик буланді? Рату ра. Юкрейн кі дусре ілако ме іс вакт чо бішад ладай чал рахі хай? Усі тек ліжі. रूस की तोपें गरज रही हैं। यूक्रेन के जवान पुतिन के फौज के सामने चट्टान सरीखे खड़े हैं और जहां नहीं खड़े रह सके वो बखमूत शहर हो गया। दूर चश्के дуже тяжке. Невозможно. Холодно. Нема одіял. От що погано. Одіял нема, мертвого. У хаті 3-5 градусів. Оце за буржуйкою зараз стоїмо. Сказали записуйтесь, сидіть. Ой, коли це закінчиться, коли це закінчиться. Господи, в кам'яному віці. Це чудовищно в 21 віці. І ні одна... І ніхто з стран не може допомогти. Ну що ж це таке? Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі: Бахмут, Соледар, Мар'їнка, Кремінна. На землі цих районів вже давно не залишилось живого місця, неушкодженого снарядами і вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут, ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни. बखमूत खंडहर में तब्दील हो चुका है। 5 लाख लोगों का ये हंसता खेलता शहर रूस की मिसाइलों से नष्ट हो चुका है। इस शहर की गलती थी जो ये पुतिन के डोनेट्स्क और लुहांस्क जाने के बीच पड़ता था। पूरे शहर में मातमी सन्नाटा पसरा है। बखमूत डोनबास का शहर जो अब सिसक रहा है, लेकिन डोनेट्स्क में ऐसा ही आलम। मलबे इतने हैं कि शहर उसमें दफन सा हो गया। इधर खेरसोन की हार के बाद फाइट बैक की कोशिश में पुतिन की फौज ने खारकीव में बारूद बिछा दिया। एक के बाद एक हमले, ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रूस की फौज सुमय में भी भीषण लड़ाई लड़ रही है। क्राइमिया के कर्च ब्रिज के गिराए जाने और खेरसोन की जीत से ज़ेलेंस्की के सिपाहियों का जोश हाई है। Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та близько 20 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетних ударів
зазнали населені пункти Велика Писарівка Сумської області, а також Комишувака, Григорівське і Юлівка на Запоріжжі. Бахмут को बर्बाद करने के लिए पुतिन ने हथियारों का इस्तेमाल का नया रिकॉर्ड दर्ज किया। बखमूत पर पुतिन की आर्मी ने सिर्फ 48 घंटे में 20 एयर स्ट्राइक किए, 60 रॉकेट बखमूत पर दागी। यूक्रेन आर्मी के प्रवक्ता ने बताया कि शहर के करीब 20 आबादी वाले इलाके हमले में धू धू कर जलते दिखे। पहले से बखमूत में रूस की फौज ने बारूद बिछा दिया था और धीरे धीरे पहले बारूद सुलगा, फिर धमाकों से शहर के कान की चदरें फट गई। पूरा शहर शमशान लगने लगा, जिधर देखो तबाही ही तबाही। एक बार फिर आप नोट कर लें कि बखमूत पर रूस की जीत का मतलब है डोनेट्स्क और लुहांस्क पर रूस का झंडा तभी लहरा सकता था जब बखमूत वाली दीवार को राख कर दिया जाए। पुतिन कामयाब रहे। बखमूत यूक्रेन के पूर्वी हिस्से यानी डोनेट्स्क का गेटवे है। यहाँ रूस की फौज के होने का मतलब है डोनेट्स्क की जीत की चाबी अब पुतिन के पास है। लड़ाई भीषण होगी, लेकिन ये पक्का लग रहा है कि जो पुतिन को रोकने की कोशिश करेंगे उन्हें भी बखमूत की तरह तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। पुतिन इस बार आग उगल रहे हैं। यूक्रेन की बर्बादी की सबसे लेटेस्ट स्क्रिप्ट जो पुतिन ने तैयार की थी उसमें बखमूत की बर्बादी टॉप पर थी। रूस की फौज बखमूत जीतने के लिए किसी भी लेवल तक जाने के लिए पहले से तैयार थी। युद्ध की विभीषिका में लोगों के घर चलते तो ये बाशिंदों की गलती है कि उन्हें आशियाना युद्ध की तारीख पूछकर क्यों नहीं बनाए। बखमूत स्वाहा हो गया और यूक्रेन के सुप्रीम कमांडर ज़ेलेंस्की ये मैसेज पूरी दुनिया तक प्रसारित कर रहे हैं। कहां कहां कितने मारे गए, कहां कहां कितनी बर्बादी हुई, इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए हमने इंटरनेट पर कई तरह की साइट्स को खंगाला और जो सामने आया वो ये कि बखमूत का गिरना ज़ेलेंस्की के लिए रिश्ता घाव बनने वाला है। बखमूत के ढहने का मतलब है पुतिन खेरसोन की हार से उबर रहे हैं। परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकियों के बीच बखमूत का मिट जाना पुतिन के फाइट बैक का सबसे ताजा उदाहरण है। पुतिन को बखमूत मिल गया है। बखमूत में कुछ इमारतें अब भी खड़ी हैं और बाशिंदे अब भी शहर की सड़कों पर घूम रहे हैं। इस क्षेत्र पर मॉस्को से हमले से पहले भी यहाँ लोग कई सप्ताह तक पानी और बिजली की सुविधा हो चुके थे। मतलब शहर पहले से डार्क एज में था अब पूरी तरह से स्टोन एज में पहुंच चुका है। ऐसा भी नहीं था कि बखमूत की बाजी की तैयारी ज़ेलेंस्की की सेना ने नहीं की थी। ये 7 दिसंबर का वीडियो है। बखमूत के पास यूक्रेन की आर्मी विंटर में वार का धार तेज कर रही है, लेकिन मुश्किल परिस्थिति है। पीने के लिए पानी का इंतजाम भी चाकू से बोतल को चीर कर करना पड़ रहा है। मौत की नींद सुला देने वाली सर्दी में यूक्रेन की फौज ने बखमूत का मोर्चा बड़ा तरीके से संभाला था। ज़ेलेंस्की की फौज कई दिनों तक लड़ती रही, लेकिन पुतिन की सेना इस बार खेरसोन वाली हार से सबक सीख गई दिखी और बलशाली दिख रहा बखमूत अब पुतिन की विजय पताका फहरा रही है। युद्ध में उजड़े आशियानों की गिनती करने वालों में पुतिन नहीं दिखते। पुतिन गरज चुके हैं कि उन्हें परमाणु बम गिराने की नौबत आए तो उनकी उंगली एटम बम के बटन तक पहुंचने में क्षणिक भी देर नहीं करेगी। आप समझ सकते हैं पुतिन किस कदर गुस्से में। उनका क्रोध 7वें आसमान पर है। क्रेमलिन से पहले भी किसी की नहीं सुनी और अब भी नहीं सुन रहे हैं। पुतिन ज़ेलेंस्की पर चौतरफा चोट कर रहे हैं, बखमूत की बदहाली की पटकथा भी लिख रहे हैं और यूक्रेन की कमर भी तोड़ रहे हैं। ओदेसा,
अंधेरे में समा गया है। यूक्रेन के बिजली उत्पादन प्रणाली पर रूसी ड्रोन हमलों के बाद शहर अंधेरे में डूबा है। 15 लाख से ज्यादा लोगों को मोमबत्ती जलाकर रात गुजारनी पड़ रही है। कपकपाती ठंड में इस तरह की बिजली का गुल होना लोगों के लिए कई तरह की समस्याएं खड़ी कर रहा है। बिजली के गुल होने से पानी की किल्लत के अलावा खाने पीने की चीजों का प्रोडक्शन होना बंद हो गया है। कई लोगों को दूसरे शहरों से भोजन मुहैया करवाया जा रहा है। खास तौर पर घरों को गर्म करने के उपकरण किसी काम नहीं आ रहे हैं और लोग ठंड से ठिठुरने को मजबूर हैं। बिजली की किल्लत से लकड़ियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ओडेसा की जिंदगी मुश्किल में। पिछले निशनों उदारों ईरानी में ड्रोनों में ओडेसा और इंचे места і села регіону у темряві. Станом на цей час більш ніж 1,5 мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура і настільки, наскільки є можливість постачання електрики. Загалом російські терористи використали проти Одещини 15 шахедів лише за одну ніч на суботу. Ось це і є... प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ईरान में बने कामिकाज़ी ड्रोन से यूक्रेन पर हमले कर रहा है, जिसके चलते ओडेसा में लगभग 15 लाख लोग बिना बिजली के अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। पुतिन किस तरह से युद्ध में कमबैक कर रहे हैं, सिर्फ ये रूस के यूक्रेन पर हमले में तेजी से साबित नहीं होता, बल्कि उन इलाकों में तादाद भी मायने रखती है। डोनेट्स्क, खार्किव, ओडेसा, सुमय और खेरसों पुतिन की मिसाइलें बरस रही हैं। ज़ेलेंस्की को शायद इस दावे से जल्दी ही पीछे हटना पड़े कि पुतिन के जीते यूक्रेन के 50% इलाकों पर यूक्रेन ने दोबारा विजय हासिल कर ली। नवंबर के महीने में यूक्रेन ने ऐलान किया था कि उन्होंने खेरसोन शहर को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया है, लेकिन युद्ध के मैदान में अब हालात लगातार तेजी से बदल रहे हैं। रूस किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए और हार मानने को तैयार नहीं है। पिछले कुछ समय से रूस ने खेरसोन में हवाई हमले और तेज कर दिए हैं। इधर ज़ेलेंस्की अब खेरसोन में उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन पर उन्हें रूसी सेना के साथ मिलकर साजिश करने का शक है। खेरसोन में मुल्क के साथ गद्दारी करने वालों को ढूंढने के लिए अधिकारी सभी लोगों की आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं। लोकल लोगों से पूछताछ जारी है। कारों की तलाशी ली जा रही है ताकि उन लोगों को पकड़ा जा सके जो अभी भी अपने पुराने इलाकों को जानकारी दे रहे हैं। खेरसोन को रूस के कब्जे से छुड़ाने के बाद यूक्रेन ने 130 लोगों को गद्दारी के आरोप में पकड़ा है। ज़ेलेंस्की घर में गद्दार ढूंढ रहे हैं और पुतिन ज़ेलेंस्की के घर में अपनी तारीफ करने वाले ढूंढ रहे हैं। जो मान गए तो अच्छा है, वरना तोप के गोले की शिकार हो जाओगे। करीब 300 दिनों तक पहुंचती ये जंग दुनिया के लिए नासूर बन गई है। इस युद्ध ने यूक्रेन को बर्बाद किया है तो रूस को भी तबाह करने में कमी नहीं की है। दुनिया परेशान है और यूक्रेन के लिए इस बीच दो देशों के नेताओं की लड़ाई का शिकार बनने के लिए मजबूर है। अवाम तो अवाम है, सुल्तान के कहे में रहे तब तक ठीक। अगर यूक्रेन का बखमूत शहर स्टोन एज में जा चुका है तो खार्किव भी किसी खंडर से कम नजर नहीं आ रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि यूक्रेन जंग में नए ट्विस्ट और टर्न आ रहे हैं। अब एक ऐसा ही यूटर्न राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी लिया है। दरअसल ज़ेलेंस्की अमेरिका से वो हथियार मांग रहे हैं जिसके जंग के दौरान इस्तेमाल किए जाने पर संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों ने बैन लगा रखा है। आखिर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के सामने ये अवैध डिमांड क्यों रखी, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। यूक्रेन जंग में आया नया ट्विस्ट। जंग के दौरान ज़ेलेंस्की की नई डिमांड, तो
अमेरिका से मांगे प्रतिबंधित हथियार। जंग में ज़ेलेंस्की का यू-टर्न। पूर्वी यूरोप में सर्द होते जा रहे मौसम के बावजूद रूस और यूक्रेन के बीच जंग मुसलसल जारी है। जंग के 300 दिन पूरे होने वाले हैं और यूक्रेन जंग और तेज होती जा रही है। यूक्रेन में बर्बादी के बरसते बारूद के बीच एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिसे देख सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के सामने एक अजीबोगरीब डिमांड रखती है। पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से एक ऐसा हथियार मांगा है जंग के दौरान जिसके इस्तेमाल पर संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने बैन लगाया हुआ है। आखिर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से ये हथियार क्यों मांगा है वो भी आपको तफसील से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यूक्रेन जंग में बरसती तबाही की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये आग उगलती रूस की लॉन्ग रेंज मिसाइलों के हमले की तस्वीरें हैं और ये उस हमले के बाद की तस्वीरें हैं। आप इन तस्वीरों में तबाह हुई एक इमारत और उसके अंदर लगी आग को साफ देख सकते हैं। इस मिसाइल हमले के बाद रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री को तबाह कर दिया। यूक्रेन का कहना है कि रूस के इस हमले में उनके एक कर्मचारी की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो गए। 7 декабря российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления объектам оборонного комплекса и связанным с ним объектом энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате удара прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Айе. यूक्रेन पर बरसते बर्बादी के बारूद के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की उस डिमांड के बारे में आपको बताते हैं, आखिर वो है क्या और ज़ेलेंस्की की डिमांड के बाद अमेरिकी सरकार और प्रशासन दुविधा में क्यों है। पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से नए हथियारों की दरख्वास्त की है और इस लिस्ट में पहला नाम ही उस हथियार का है जिसके बाद अमेरिकी सरकार परेशान है। दरअसल राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से क्लस्टर एमिनेशन की डिमांड की है। ये वो डिमांड है जिसे अमेरिका पूरी नहीं कर पाएगा क्योंकि जंग के दौरान क्लस्टर एमिनेशन के इस्तेमाल पर संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। आइए अब आपको ये भी बता दें कि आखिर अमेरिका राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ये डिमांड क्यों पूरी नहीं कर सकता और आखिरकार क्लस्टर बम होता क्या है। क्लस्टर बम दरअसल कई बमों का एक गुच्छा होता है। इनको फाइटर जेट्स की मदद से गिराया जाता है। ये एक मिसाइल नुमा बम में बंद होते हैं। क्लस्टर बम दागे जाने के बाद अपने भीतर बमों को गिराने से पहले हवा में मीलों तक उड़ सकते हैं। हवा में क्लस्टर बम का बाहरी खोल खुल जाता है। इसके बाद क्लस्टर बम में बंद तमाम छोटे बम एक बड़े दायरे में गिरते चले जाते हैं। ये विनाशकारी बम जिस जगह पर गिरते हैं वहां 25 से 30 मीटर के दायरे में भयानक तबाही मचा सकते हैं। सबसे पहले क्लस्टर बम का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, क्योंकि इनको गिराने के बाद इनमें से कई बम नहीं फटते, लिहाजा वो एक लैंडमाइन की तरह होते हैं और नागरिकों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। लिहाजा दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने जंग के बाद इनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन जब से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से क्लस्टर बमों की मांग की है ये खबर सुनने के बाद पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि ये ज़ेलेंस्की ही थे जिन्होंने जंग के शुरुआती दौर से ही रूस की फौज पर यूक्रेन के खिलाफ
क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का आरोप लगाया था, लेकिन अब ज़ेलेंस्की की ये डिमांड सुनने के बाद तो लगता है कि वो भी रूस के खिलाफ उसी प्रतिबंधित हथियार को इस्तेमाल करने का मन बना चुके हैं। दरअसल यूक्रेन ने रूस पर यह आरोप लगाया था कि उसने जंग के शुरुआती दौर में ही उसके खार्किव शहर पर क्लस्टर बमों से हमला कर वहां तबाही मचा दी थी। आलम यह है कि आज भी रूस की सेना की सैकड़ों तोपें खार्किव शहर पर बर्बादी का बारूद बरसा रही हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन का यह खूबसूरत और दूसरा सबसे बड़ा शहर खंडहर नजर आता है। जंग की ये तस्वीरें भी यूक्रेन के खार्किव इलाके से ही सामने आई हैं। इस वीडियो को यूक्रेनी सेना ने ही जारी किया है। यूक्रेनी सेना के मुताबिक वीडियो में दिख रही गोलाबारी दरअसल उनकी सेना का रूसी सेना के हमले का जवाब है। यूक्रेन के मुताबिक रूसी फौज ने खार्किव में यूक्रेनी सेना पर हमला किया था, लेकिन उनके सैनिकों ने स्टिंगर और जेवलिन मिसाइलों की मदद से रूसी सेना को पीछे धकेल दिया। इसके साथ साथ यूक्रेन ने यह भी आरोप लगाया कि इस हमले के दौरान रूस की सेना ने खार्किव शहर पर क्लस्टर बम बरसाए। अपने आरोप को साबित करने के लिए उन्होंने रूस की सेना के हमले के बाद का एक वीडियो भी जारी किया। खार्किव शहर पर रूस की सेना ने किस कदर तबाही मचाई, ये तस्वीरें उसकी मिसाल है। शहर के एक हिस्से से उठता काले रंग का धुआं, वीरान पड़ी सड़कों पर रूस के हमलों में तबाह हुई गाड़ियां और शहर को खाली कराते सहायता कर्मी। शहर के लोगों का आरोप है कि जंग की शुरुआत से ही वो रूस की सेना के टारगेट पर है और रूस की फौज बिना रुके इस शहर पर लगातार गोलाबारी कर रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब यूक्रेन सरकार यहां के लोगों को इस शहर से सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है। तो обстрілюється постійно. Без графіку, без якісь цілей конкретних. Так як було і все літо по Харкову. Айє, अब आपको यूक्रेन जंग की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिनमें इस जंग की एक बड़ी हकीकत छिपी है। ये मिसाइलों का गोदाम नहीं है, बल्कि ये उन मिसाइलों के खोल हैं जिन्हें रूस ने खार्किव की जंग के दौरान इस इलाके पर बरसाया था। यूक्रेन रूस पर लगातार क्लस्टर बमों के इस्तेमाल का आरोप लगा रहा है और उसका दावा है कि उसने ये खोल इसलिए इकट्ठा किए हैं ताकि वो रूस की फौज की असलियत दुनिया को दिखा सके। यहाँ उन मिसाइलों और बमों के टुकड़े भी हैं जिन्हें BM-21 ग्रैड MLRS सिस्टम से दागा जाता है। BM-21 ग्रैड एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जिसका इस्तेमाल किसी बड़े इलाके पर हमला करने के लिए किया जाता है और इसी की मदद से क्लस्टर बमों को दुश्मन के इलाके में भी गिराया जाता है। На цій ділянці знаходиться більше тисячі ракет, їх сумарна вартість більше 100 мільйонів доларів. Тут знаходяться і крилаті ракети, такі як «Іскандер», «Калібр», «Х-101», але здебільшого це системи РСЗО, такого типу як «Смерч», «Ураган» та «Град БМ-21». Цими снарядами обстрілювали цивільну інфраструктуру міста Харкова, зокрема це Північна Салтівка. Це багатоквартирні будинки, це лік. Amnesty International की रिपोर्ट में भी ये बात कही गई थी कि रूस ने खार्किव में 9N210 और 9N235 क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है, जबकि संयुक्त राष्ट्र की जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक जंग में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है। लेकिन अगर रूस इस हकीकत को नजरअंदाज कर अभी भी क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है तो इसे एक वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध माना जाएगा। यूक्रेन का कहना है कि उसने रूसी फौज के इस्तेमाल किए गए सभी हथियारों, बमों और मिसाइलों के टुकड़ों को खार्किव में एक सुरक्षित जगह पर रखा हुआ है और उसने इन हथियारों के टुकड़े इसलिए भी संभाल कर रखे हैं ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने इन टुकड़ों को बतौर सबूत पेश कर सके।
Речові докази будуть належними доказами саме у Міжнародному кримінальному суді. Ми очікуємо створення трибуналу, на якому будуть судити Росію, їх вище політичне та військове керівництво за військову агресію та вбивство мирних мешканців Харкова та України. Таких майданчиків зберігання в Харкові декілька. दरअसल राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका से ऐसे क्लस्टर बमों की मांग की जिन्हें वो हाइमार्स मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की मदद से रूस की सेना के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। यूक्रेन का कहना है कि अगर अमेरिका उसे क्लस्टर बम देता है तो वो रूस को उसके हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। यूक्रेन का तो यहाँ तक कहना है कि वो क्लस्टर बमों का इस्तेमाल रूस की सेना के खिलाफ करेगा, ना कि रूस के नागरिकों पर इनको बरसाएगा। रूस यूक्रेन जंग के दौरान क्लस्टर बमों के इस्तेमाल की बात मान भी चुका है। फिलहाल अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम देने पर कोई फैसला नहीं लिया है। अगर अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बम देता है तो यकीनन यूक्रेन जंग की आग और भड़कने वाली है। यूक्रेन ने मेलिटोपोल पर बड़ा हमला किया है। यूक्रेन का ये शहर अभी रूस के कब्जे में है। मेलिटोपोल में हाईमार्स रॉकेट से हमला किया गया। यूक्रेन का दावा यह है कि इस हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए हैं। जेलेंस्की के ऐसे हमलों को रोकने के लिए एक बार फिर अपने मिसाइल पार्टनर को फोन किया गया। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पुतिन के खतरनाक इरादे पता चल जाएंगे। और ईरान के बीच कौन सी बहुत बड़ी सीक्रेट डील हो रही है? आखिर ईरान और रूस के बीच ऐसा क्या हो रहा है कि अमेरिका बौखला गया है? सबसे बड़ा सवाल, क्या पुतिन ने अब युद्ध वाला कंट्रोल ईरान में शिफ्ट कर दिया? यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच इन सवालों के बहुत मायने हैं, क्योंकि इसी को लेकर अब अगली जंग का सीन क्रिएट किया जा रहा है। एक बहुत ही आधुनिक फाइटर की डील पर बात हो रही है जिसकी रेंज अमेरिका को परेशान कर देगी। एक नए ड्रोन पर सस्पेंस खत्म होने जा रहा है। जो सबसे ज्यादा खतरा साबित होगा, टारगेट पर कई अड्डे होंगे और साथ में एक ऐसी मिसाइल जिससे तीन देशों को खतरा है वो पुतिन को मिल सकती है, और यही अमेरिका का सबसे बड़ा डर है। ऐसी बहुत सी चर्चा व्हाइट हाउस में हो रही है। पेंटागन नए प्लान बना रहा है बाइडेन को सबसे बड़ा खौफ इस वक्त रूस से नहीं बल्कि ईरान से बहुत खतरनाक डर सताने लगा। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा। इस रिपोर्ट में आप पुतिन और ईरान की बहुत ही सीक्रेट संबंधों के बारे में पता चलेगा। इस रिपोर्ट में आपको बाइडेन के सामने खड़े सबसे बड़े खौफ का पता चलेगा। इस रिपोर्ट में आपको अगले युद्ध की लोकेशन के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले अमेरिका के खौफ की बात करते हैं, क्योंकि यही इस खबर की बुनियाद है, और इसी खौफ ने अमेरिका के दोस्तों को भी डराया हुआ है। अमेरिका को डर है कि रूस अब ईरान को ऐसे ऐसे नए हथियार दे रहा है जो खाड़ी के इलाके पश्चिम एशिया में अमेरिका और उसके मित्र देशों को मुश्किल में डाल सकते हैं। अमेरिका इसे ईरान और रूस की सबसे खतरनाक डिफेंस पार्टनरशिप कह रहा है। इसमें ईरान को रूस से नए फाइटर जेट मिलेंगे, नए एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे, नए हेलीकॉप्टर भी ईरान के पास आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रूस को ईरान की तरफ से शायद ड्रोन मिला तो उन्होंने उसका खूब फायदा उठाया। ईरान एक तरह से
रूस का ड्रोन सप्लायर बन गया, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मार यूक्रेन पर पड़ी। और ये बात ज़ेलेंस्की बार बार बताना चाहते हैं कि ईरान के ड्रोन ने उनके फौजी अड्डों से लेकर सामरिक ठिकानों और सिविलियन टारगेट पर कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। дуже складна ситуація в Одеській області. Після нічного удару, удару іранськими дронами, Одеса та інші міста, міста і села регіону у темряві. Станом на цей час більш ніж 1.5 мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура і настільки, наскільки є можливість постачання електрики. Рус не Іран кі дрон валі мадад кюнкі. अब इसे डिटेल में समझिए। रूस को शाहिद 136 ड्रोन इसलिए मिले क्योंकि रिपोर्ट है कि रूस अब ईरान को अपना आधुनिक फाइटर जेट सुखोई 35 दे सकता है। रूस में ईरान के फाइटर पायलट को सुखोई 35 पर ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है और अब ईरान को एक साल के अंदर इन लड़ाकू विमानों की डिलीवरी भी मिल सकती है। जो रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक शुरुआत में ईरान को रूस से 24 सुखोई 35 फाइटर जेट मिल सकते हैं। तादाद तो इनकी कम लगती है, लेकिन ऐसे फाइटर जेट ईरान की एयरफोर्स को गजब की ताकत देंगे, इसमें कोई शक नहीं। सुखोई 35 का इस्तेमाल रूस अभी यूक्रेन के खिलाफ भी कर रहा है और लॉन्ग रेंज टारगेट्स के अलावा एयर डोमिनेंस में भी इस फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस फाइटर जेट के मुकाबले में यूक्रेन के पास भी कुछ नहीं है और इसे रोकने के लिए ज़ेलेंस्की फिलहाल नेटो से मिले एयर डिफेंस सिस्टम पर ही निर्भर है। इसमें कोई शक नहीं है कि रूस की एयरफोर्स को रोकने में उन्हें कामयाबी भी मिली है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के अब तक 280 से ज्यादा फाइटर जेट मार गिराए हैं। यूक्रेन का दावा है कि वो पुतिन के 260 से ज्यादा हेलीकॉप्टर गिरा चुका है। ये ज़ेलेंस्की की फिगर कि वो रूस की करीब 600 क्रूज मिसाइल को भी टारगेट कर चुके हैं और ज़ेलेंस्की तो आए दिन दावा करते हैं कि उन्होंने पुतिन की कितनी क्रूज मिसाइल गिराई। यूक्रेन की फौज तो उन्हें एक एक मिसाइल का अपडेट दे रही है ताकि ज़ेलेंस्की का हौसला भी कायम रहे। Шановні українці, звітую про сьогоднішній день. Головний результат – 70 російських ракет пройшло, більшість збито, калібрі, Х-101 та інші. Я дякую усім нашим воїнам повітряних командувань «Схід», «Південь» і «Центр». Молодці! Дякую партнерам за системи ППО, які зараз використовуємо. Кожна збита російська ракета – це конкретний доказ, що терор можна перемогти. Але, на жаль, ми поки що не можемо дати повну безпеку. Нашому небу було кілька влучань. На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів 4. Мої співчуття рідним. Путін чапі Зеленський пар хамла карте. तो उसका वीडियो जरूर बनाते हैं। देखिए पुतिन के मिसाइल अटैक की एक छोटी सी क्लिप। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, ऐसे ही कई हमले लगातार किए गए। जिनके टारगेट पर यूक्रेन के कई शहर थे, वहां के कई ठिकाने थे। ज़ेलेंस्की के बंकर में अंधेरा रहे, यही पुतिन का एजेंडा है। पुतिन ने क्या क्या किया है वो आपको जरूर देखना चाहिए। आपको पुतिन की पूरी मॉडस ऑपरेंडी समझ में आ जाएगी। पुतिन का जो गुस्सा ज़ेलेंस्की पर फूट रहा है उसमें दो बड़े हथियारों की भूमिका है। इनसे ज़ेलेंस्की भी बहुत घबराते हैं। पुतिन के दो सबसे खतरनाक हिटमैन देखिए। पहली है कैलिब्र मिसाइल और दूसरा है शायद 136 आत्मघाती ड्रोन। इन दोनों ने ज़ेलेंस्की को बड़े बड़े झटके दिए हैं। दोनों हथियार 10 अक्टूबर के बाद से लगातार यूक्रेन में हमले कर रहे हैं और खेरसोन हारने के बाद पुतिन ने इनके हमले और बढ़ा दिए हैं। इसमें कैलिब्र क्रूज मिसाइल के हमले तो बहुत ज्यादा खतरनाक माने गए। इस मिसाइल के अलग अलग वर्जन से पुतिन ने कीव और यूक्रेन के कई शहरों पर कयामत बरसाई। कलिप हर तरफ से लॉन्च की गई, बॉमर से लॉन्च की गई, समंदर से लॉन्च की गई और लैंड बेस्ड लॉन्चर से दागी गई। काला सागर से उठे इन मिसाइलों के पवंडर ने कीव को पूरी तरह हिला कर रख दिया। परमाणु हमले जैसे खतरे को देखते हुए लोग अंडरग्राउंड मेट्रो में पनाह लेने लगे। लेकिन अब रिपोर्ट है
कि रूस के पास शायद ड्रोन खत्म हो गए या खत्म होने की कगार पर है, और यही वजह कि रूस को चाहिए नई ड्रोन की गेम जो से ईरान ही सप्लाई कर सकता है। लेकिन क्या ये रूस का धोखा है और पुतिन सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं? यूक्रेन का दावा है ईरान ने रूस को 1700 शायद 136 ड्रोन सप्लाई किए, इनमें से 400 का इस्तेमाल यूक्रेन पर किया गया, और यूक्रेन का दावा है कि उनमें से 350 मार भी गिराए गए। यानी अब भी रूस के पास 1000 से ज्यादा ऐसे ड्रोन मौजूद है। Те, що їх, якщо будуть відновлювати, то ще питання, чи будуть відновлювати. Відновлювати потрібно мати, ну, мати з чого, мати як. Можливо, донорство буде запроваджено, з інших літаків знімати, щоб ставити ці. Але це безумовно дуже гарні новини, тому що якщо виходить з ладу один-два літаки, ну, може ще якимось чином вийдуть ще кілька літаків, то це їхні спроможності зменшує. Зрозуміло, що завдання таких масованих ракетних ударів. Лекін Америка і Юкрейн кілі із собі дарані валі бат є. Іран аб Руску ней місайл саплай кар сакта хай. Ор із місайл кі ані кі бад не сирф Юкрейн ко, балькі Юроп ко бі хатра пейда хо жайга. Ней репорт є хай, кі Рус ко чалд хі Юкрейн се балістик місайл мил сакти. Є хай Іран кі фаза 110. Ейсі фаер павар, ऐसी तबाही लाने वाली ताकत, दुश्मन के दिल में खौफ भर देने वाले धमाके। फतेह 110 सबसे खतरनाक पैकेज कहा जा सकता है। फतेह 110 कैसे दुश्मन को तबाह करती है, इसकी पूरी डिटेल जानने से पहले ज़ेलेंस्की के दिल में ईरान के हथियारों का खौफ देखिए, क्योंकि इससे आप यूक्रेन के ऊपर रूस और ईरान के हथियार वाले गठबंधन का खतरा बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। It is continues to become clear that Iran has become Russia's top military backer, and you've seen us speak to this over the course of the past few months. But since August, Iran has transferred several hundred UAVs to Russia, and Russia has been using these UAVs to attack Ukraine's critical infrastructure and kill Ukrainian civilians. And Russia has been using Iranian UAVs to strike Ukraine's energy infrastructure, depriving millions of Ukrainians of light, heat, and critical services. Iran ke chahe drone ho ya uski missile, iska tod nikalna America ke liye aasan nahi raha. Ye baat sabit ho chuki hai. Iran kareeb 3 saal pehle अपनी फतेह मिसाइल का ट्रेलर दिखा चुका है, जब उसने इराक में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले किए थे। ये वही मिसाइल जिसे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसे ट्रॉमिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। इस हमले के बाद का खौफ कैसा था वो बहुत ध्यान से समझिएगा। ईरान ने अपनी फतेह 110 मिसाइल से कई हमले किए और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरह फेल साबित रहा। 8 जनवरी 2020 को ईरान ने जब इराक में अमेरिका की 2 मिलिट्री बेस पर हमला किया, ये उसकी सैटेलाइट तस्वीर है। ईरान ने चुन चुन कर अमेरिका के अड्डों को तबाह किया था। कई हैंगर, कई कमांड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह तबाह हो गए थे। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, इसलिए उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल ताकी थी, ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। ये फायर पावर देखकर पुतिन भी बेहद खुश हुए और अब उनकी नजर ईरान की इस मिसाइल पर। दरअसल पुतिन ने अपनी क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमलों से यूक्रेन के बिजली घरों को टारगेट किया, ताकि ज़ेलेंस्की को पता चल सके कि रूस चाहे तो उसे घुटने के बल बैठने पर मजबूर कर सकता है। वो अब ईरान की नई मिसाइल को आजमाना चाहते हैं। Так проведение на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и
по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Зеленский китара. Путин роз баян чари не карте, не селфи вали видео банате. Вот жаб камеры ке самне ате, то ек пухта план банане, я усе анчам пахчане вали, бхаросе ке саат баат карте. Ислие в Зеленский ке лие underground хоне ка вакт а гая, кюки аб Путин тисри аанх хол кар, роз Зеленский ко шок and эв вала чота-чота трейлер дикха рахе. ईरान से मिल रही मदद ने रूस का काम आसान कर दिया है और ये बात अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो रही है। It is continues to become clear that Iran has become Russia's top military backer, and you've seen us speak to this over the course of the past few months. But since August, Iran has transferred several hundred UAVs to Russia, and Russia has been using these UAVs. To attack Ukraine's critical infrastructure and kill Ukrainian civilians. इससे पहले ये भी रिपोर्ट आ चुकी है कि ईरान की स्पेशल फोर्स यूक्रेन में रूस की मदद कर रही है। अगर ईरान की फौज यूक्रेन में है और वो इस युद्ध में आगे के मोर्चे पर लड़ रही है तो सबसे बड़ा खतरा इस युद्ध के फैलने का है, क्योंकि इस बात से तो सब वाकिफ है यूक्रेन की मदद नेटो की फौज कर रही है। ऐसे में यूक्रेन की जमीन एक ऐसे बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है जिसमें खून की छींट है। अगर यूरोप या फिर रूस के शहरों की तरफ पड़ी तो इसके विश्व युद्ध में तब्दील होने में देर नहीं लगेगी। फिलहाल पुतिन खेरसोन में मिली हार का बदला ले रहे हैं। उनका गुस्सा पहले क्राइमिया ब्रिज वाले अटैक पर भी उतरा था, क्योंकि उन्हें यकीन था क्राइमिया ब्रिज पर हमला ज़ेलेंस्की के ऑर्डर पर किया गया, इसलिए उन्होंने ज़ेलेंस्की के बंकर को तबाह करने की ठान ली है। बस रूस की फौज नए हथियार और पुतिन के ऑर्डर मिलने का इंतजार कर रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी आर्मी ने ज़ापोरिज़िया में रूस के बेस पर जबरदस्त हमला किया है। हमले में रूस के 150 सैनिक जख्मी हो चुके हैं। और वहीं एक बड़ी खबर ब्रिटेन से है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऐसी बात कही है कि मॉस्को में तनाव फैल गया है। जिसका डर था वो होने वाला है। जिस हथियार का इंतजार ज़ेलेंस्की तहे दिल से कर रहे थे वो अब मिलने वाला है। पुतिन को जिस घटना की कल्पना से भी डर लगता है वो अब मॉस्को में कभी भी हो सकती है। जिस दिन से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है वो दिन वो तारीख कभी भी तय हो सकती है। ये सारी बातें कोई पहेलियां नहीं है और ना ही ये कोई रहस्य है। दरअसल रूस और यूक्रेन अब एक ऐसे युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं जहां घाव सिर्फ यूक्रेन को नहीं रूस को भी लगने वाले हैं। अब दुनिया एक ऐसे युद्ध को देखने जा रही है जहां शहर सिर्फ यूक्रेन के ही नहीं जलेंगे, अब जंग की ये आग रूस के शहरों को भी जला सकती है। आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिस पर सारी दुनिया की निगाहें जम गई हैं? दरअसल पुतिन के खिलाफ और रूस की बर्बादी का सबसे बड़ा बिगुल अब खुद बोरिस जॉनसन ने बजा दिया है। बोरिस